निर्भया बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी अक्षयनं केलेली फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे, त्यामुळे अक्षयची फाशीची शिक्षा कायम राहणार आहे. इतर तीन दोषींनी याआधीच फेरविचार याचिका दाखल केली होती, त्याही फेटाळण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे आता चारही दोषींची फाशी कायम राहणार आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आजच फाशीची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सुना, इसके बाद फैसला दिया. और अब उनके लॉयर ये बोल रहे हैं कि वो क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब उसका टाइम उन्होंने गंवा दिया है, एक साल पूरा बैठ के, क्योंकि 18 महीने रिव्यू तीनों के खारिज हुए हो गए. इनके पास 18 महीने टाइम था रिव्यू करने का, क्यूरी करने का, इन्होंने नहीं किया. जेल ने 7 दिन का डेट अरे नोटिस किया था कि इसमें 7 दिन केयरधन सब मर्सी पटिशन जिसको करना है कर लो, इन लोगों ने नहीं किया, तो ऑलरेडी इन्होंने टाइम खत्म कर दिया है. और उम्मीद है कि अब इसी पे इन लोगों का डेट अरेंज जारी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जो आया है, ये सफ़र हम लोग का बहुत दर्द भरा रहा है. एक एक पल हम लोग के लिए बहुत भारी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना केस अटक जाए, कोई कारण लग जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सब दलीलों को सुनते हुए सब खारिज कर दिया है कि पानी का हवा का हवाला दे रहे थे, जबकि कोर्ट में उनको मेन कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास अगर कुछ है तो उनको रखना चाहिए पॉइंट. तो पॉइंट उन्होंने रखा नहीं, सिर्फ हवा पानी और दुनिया जहान की बात करते रहे. सुप्रीम कोर्ट ने उनका खारिज कर दिया है, मर्सी रिव्यू पटिशन खारिज कर दिया है. तिहाड़ डीजी ने इनको 7 डेज का ऑलरेडी टाइम दे चुके थे, जो टाइम इनका लैप्स कर चुका है. तो अगर कोर्ट उस ग्राउंड पे हम लोगों को सुनती है तो डेफिनेटली आज भी डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कर सकती है. लेकिन अभी मर्सी जो बिना की है उसका फाइनल कोई भी रिजेक्शन का हम लोगों के पास अभी ऑर्डर नहीं आया है. ऑन वर्ड ये कुछ नहीं कह सकते कि कितना दिन, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कमिंग जनवरी जो है 2020 में जनवरी में ये मैटर पूरी तरीके से ये क्लोज होगा और उनके डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया.